ଜାଗାଟା ଯେମିତି ଏଠି ଏଇଠି ବସିକି ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅନ୍ତା ଦହିବରା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ କଟକ ମିକ୍ସଚର ବାସ୍ ବିଆ ଚାଲ ଦୁଇ ଲାଗି ଦହିବରା ଦୁଇ ଲାଗି ଦହିବରା ହଁ ଟେଲ୍ ଖେଳ ହେଇଛି ୱାଟ୍ ୱାଟ୍ ୟେସ୍ मॉर्निंग गाइस सो टाइम राइट नाउ इज 3:20 पीएम इन द वे मतलब इंडिया में हो रहा है क्लोज टू 5:30 पीएम अभी मेरे को मालूम नहीं ये वाला वीडियो इस टाइम पे जाएगा कि नहीं बट फिर भी ट्राई करेंगे अभी हमें जाना है एक मीटिंग है वो मीटिंग खत्म करके आने तक अगर 6 बजे से पहले मतलब दुबई वाला 6 बजे से पहले अगर मैं पहुंच जाता हूँ ये वाला वीडियो परफेक्ट अपना 9 बजे आ जाना चाहिए अगर नहीं हुआ तो फिर मे भी थोड़ा लेट हो सकता है उड़ेटो का चैनल वाला वीडियो नहीं आने वाला क्योंकि एक दिन में दो दो वीडियो करना इज ऑलमोस्ट गेटिंग इम्पॉसिबल बाकी अपना टेलीग्राम चैनल पे जो फॉलो नहीं करते हो जाके टेलीग्राम चैनल में फॉलो कर आज भी मजा आ गया भाई कॉमेडी मतलब खतरनाक कॉमेडी हुआ एंड सबसे बेस्ट है इतने लोग वहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं एंड सो मेनी प्रोज मतलब कितने सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी आ गए और मजा आ जाता है एनालिसिस मतलब मैं भी उनका एनालिसिस पढ़ता रहता हूँ मैं भी एनालाइज करता था मेरे ट्रेंड लाइन के साथ उनका भी ट्रेंड लाइन को मैच करता था जबरदस्त मजा आ रहा है अगर मेंबर नहीं हो टेलीग्राम चैनल पे फ्री है जाके ज्वाइन कर लो आज भी जबरदस्त वाला प्रॉफिट हुआ टेलीग्राम चैनल पे लोग आज पेटी पैक फुल पैसा लेके गए हुए हैं टोटल शायद वी गॉट समवेयर अराउंड 280 पॉइंट्स का मूवमेंट मतलब 140 रुपीज का टोटल हुआ 140 रुपीज यस मतलब अगर आप 1000 क्वांटिटी लेके जाते हो इट विल बी क्लोज टू 1.4 लाख अगर 200 क्वांटिटी लेके जाते हो इट वुड हैव बीन क्लोज टू लाइक 28,000 मतलब 28% का ग्रोथ चलते हैं यो फहद व्हाट्स अप What's I'm up? Not You're not Fahad? Hey, say it. Hello. 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 Passport टाइम लगा? हाँ. So आज का market कैसे गया? बताओ. Market सही था. Starting में शायद you were sitting in ये P. P side. P side ना मैं इतना लंबा लंबा के red candle देखे हुए कि अभी सांगा मतलब फटाफट P नहीं लेके थोड़ा wait कर जैसे एक green candle बना. उसके बाद जाके थोड़ा ऊपर जाने के बाद आई थिंक एग्जिट हुआ ना 30 या 35 पॉइंट्स मिला होगा क्योंकि उसके बाद तो पूरा उड़ के चले गया सीधा टर्न लेफ्ट ऑन एसल बोलो मेरा तो पहला एंट्री था पी था आई थिंक उसमें कवर किए थे हम लोग 40 पॉइंट मिला था 40 हाँ ऊपर से हम लोग जैसे एंटर किए तो वहां से मार्केट आया फिर जैसे ट्रेल करते गए मैं तो लाइव स्ट्रीम भी कर रहा था नीचे लग गया होगा स्टॉपलॉस लग गया होगा ट्रेल कर रहे थे तो हिट हो गया सेकंड एग्जिट ऑन सेकंड वाला भी हम लोग का पी एंट्री था आज दो मिनट हां मेरा सेकंड वाला पी एंट्री था जब वो ऊपर जाके नीचे आया उसके बाद जाके भी बट आई डिड नॉट टेक इट मैं ग्रुप में दिया लोग भर भर के लेके गए हैं हमारे कोटे मिला था मजा आई जी फर्स्ट डे फर्स्ट जीरो द अकाउंट फर्स्ट ट्रेड 1 लाख डिपॉजिट 28,000 प्रॉफिट ही बेहोस क्योंकि बाइंग में मैंने देखा बहुत जल्दी जल्दी चले जाता है तो उसमें सेल करके बैठ जाता है एटलीस्ट वो डिके नहीं होता है तब तक वो वेट करके रहेगा आज मेरा जो टारगेट था 325 एंट्री हुआ टारगेट वाज 425 स्टॉप लॉस वाज 225 ओके 325 100 पॉइंट्स 225 100 पॉइंट्स ऊपर है 425 हां 425 स्टॉप लॉस हिट होने के लिए वो आ रहा था और भी 30 40 पॉइंट्स था उसका जगह वहां से वो गया पूरा एग्जैक्ट 425.64 मतलब ओनली 420 टच किया मेरा एग्जिट हो गया वहां से वो नीचे गिरा और एक बार भी वो आया नहीं है मार्केट 425 मेरे को और एक चीज भी मेरे को ये 3-4 दिन में मालूम पड़ा शायद मे भी ब्रोकर्स में कुछ तो है लोचा सारे स्ट्राइक प्राइस के राउंड फिगर्स में कभी स्टॉप लॉस नहीं रखने का नहीं सो अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है 400 ऊपर या नीचे हाँ 2-3 पॉइंट ऊपर नहीं अगर 400 राउंड लेवल नहीं रखना है 350 नहीं रखना है रखो तो 347 क्योंकि कल भी मैंने देखा मेरा स्टॉप लॉस पहले मैं रखा था 350 मार्केट दो बार वहां जाने के लिए ट्राई किया तब मैं उसको 350 हटा के 353 कर दिया वो एग्जैक्ट 350.50 में गया फिर वहां से नीचे मतलब वो भी एक है मतलब वो तो हाँ ये पूरा टिप सीक्रेट टिप कभी भी स्टॉप लॉस को फिक्स्ड रेंज में नहीं रखने का कभी कभी ऐसे फील होता है सिस्टम में हम लोग स्टॉप लॉस देते ही मार्केट आ जाता है लगता है कि कोई ना कोई देख रहा है सेकंड एग्जिट ऑन क्यूमाशा रोड मेरे साथ तो ऐसे होता है कि जब तक मैं देख रहा हूँ इस ऑप्शन को कि जा रहा है 200 212 214 मतलब उड़ रहा है जब तक मैं देख रहा हूँ वो 210 12 जैसे मैं एंट्री लेता हूँ 190 आई थिंक इट हैपेंस विद एवरीवन बट एनीवेज इट वाज अ गुड डे दो एंट्रीज थी टोटल मेरा एक ही एंट्री था और एक तो आई चल रहा था
कितना एंट्रीज हुआ टोटल? तीन. टोटल तीन एंट्री, उसके बाद काम खत्म. बीटीएसटी कुछ है? नहीं. No BTS. तीन एंट्री. एक्चुअली पहले थोड़ा सा डिसिप्लिन बिगड़ गया था. एक्चुअली अभी गलती करने से ही सीखने को मिलता है. एक्चुअली मिस्टेक से ही सीखने को मिलता है. बट अभी क्या है ना, पोजीशन साइज फिक्स हो गया, ताकि अगर आप 10 में से 7 दिन भी विन करते हैं तो भी अपना एक्यूरेसी मतलब सेम रहता है. महीने का रखना पड़ेगा कि एक एक महीने के लिए एटलीस्ट उतना तक रखना पड़ेगा. सेम पोजीशन साइज होना चाहिए, नहीं तो आज 1 लाख का लगा, कल 10 लाख इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉस बड़ा हो जाएगा, प्रॉफिट छोटा. उसके बाद हाँ प्रॉफिट. मेरे साथ वही हुआ है ना, लॉस बड़ा बड़ा लेके प्रॉफिट को कम लेके गए. इसीलिए पोजीशन साइजिंग को ठीक रखना पड़ेगा. जैसे प्रॉफिट आने के बाद उसके बाद जाके पोजीशन साइज को बढ़ाया जाएगा. अभी तो 9 बजे से लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है. 9 बजे से लाइव स्ट्रीमिंग कल से होगा. 9 बजे से आज मैं एल्बो का किया था, बट उसके बाद किसी का ईमेल आया कि एक्चुअली जीरो था, को हम डायरेक्टली लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते, हैड टू मतलब बंद करना पड़ा मेरे को. चलो भाई, लोग जस्ट रीच्ड होम. ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं क्योंकि हम लोग ट्रैफिक में थोड़ा फंस गए थे. एंड यहाँ दुबई में अब जैसे ही घर से निकलोगे आपको 3-4 घंटा रोड पे चाहिए ही चाहिए. थोड़ा लेट हो गया वीडियो, थोड़ा लेट में आया होगा. प्लानिंग तो था कि मैं जल्दी पहुँच के चलो वीडियो को टाइमली अपडेट कर देता, बट टाइम नहीं हो पाया, सॉरी. थोड़ा थोड़ा लेट हो चुका है. कल वाला वीडियो होपफुली टाइम पे आ जाना चाहिए. चलो, आई विल सी यू सून द न्यू व्लॉग.